सेवादार, सेवक, अटेंडेंट, सर्वर, सहायक, पर्सनल असिस्टेंट, पीए, उपस्थाक या एक भाई, सभी भूमिकाएं आनंद ने बहुत अच्छे से निभाई हैं। भाग तीन में दरअसल 35 साल की आयु में बोधि प्राप्त हुई, हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन या नॉलेज सिद्धार्थ गौतम को प्राप्त हुई और वो बुद्ध कहलाए, यानी बुद्ध की उपाधि उनको मिल गई। 35 साल से लेके और 20 साल तक जब उन्होंने जगह जगह चारिकाएं यानी कि चलते हुए धम्म वचन किए, जगह जगह स्कूल बनाकर विहार बनाकर धम्म को सिखाना शुरू किया, लोगों को धम्म की प्रैक्टिस करानी शुरू की, तो उन्हें एक असिस्टेंट की, एक सेवादार की, एक सहायक की हमेशा आवश्यकता रही जो उनके निर्देशों का पालन कर सके, उनकी छोटी मोटी जरूरतों को बता सके, पूरा कर सके। बहुत सारे जो लोग हैं इस बीच में आए और उन्होंने सेवाएं दी। वो सेवाएं जो देते थे, एक तो वो जानकार नहीं थे, दूसरा वो सेवाएं देने में बड़ी कमियां करते थे। कोई कोई उनके चीवर पात्र को लेकर चला जाता था, कोई कोई चीवर पात्र को जमीन पर डाल देता था, कोई कोई उनके चीवर पात्र को लेके भूल जाता था। इस तरह से वो अच्छी तरह से सेवाएं नहीं कर पाते थे। उनमें कुछ नाम प्रमुख हैं, जैसे नाग समाल, नागित, उपवाण, सुनखत, चुंद, सागत, मेघिय। ये सभी जितने भी भिक्खु थे, ये एकाग्र होकर अच्छी तरह से सेवाएं नहीं दे पाए और इस तरह से 20 साल लगभग बीत गए। 20 साल बीतने के बाद, यानी 20 बरस, बरस का मतलब मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया है, जो बरस बोलते हैं वो बारिश जो होती है, पानी जो बरसता है उसको बरस बोलते हैं। पुराने समय में कैलेंडर नहीं होते थे तो भारत में वर्षा प्रमुख मानी जाती थी, क्योंकि अगर वर्षा होगी तही धान होगा, यानी धान की जो फसल थी वो प्रमुख फसल थी, और धान आता था तो लोगों में जीवन का संचार होता था, और धान के लिए अच्छी बारिश का होना बहुत ज़रूरी था उस जगह पे, उस जगह। तो जब बारिश आती थी तो उसको साल मानते थे कि पिछली बार बारिश ऐसी रही, इस बार बारिश ऐसी रही, तो बारिश से वो बरस ही पड़ गया, बरस को ही ईयर कहने लगे, साल कहने लगे, बरस को ही फिर वर्ष कहने लगे, यानी वर्षा, बरस, वर्ष वहीं से पड़ा हुआ है, पाली के बरस से। तो लगभग 20 वर्षावास बीतने के बाद, 20 बरस होने के बाद भगवान बुद्ध ने एक सभा की कि मुझे एक सेवादार, सेवक, अटेंडेंट, सर्वर, सहायक या पाली में कहें तो उपस्थाक चाहिए, जो अच्छी तरह से धम्म की जानकारी इधर से उधर और लोगों को व्यवस्थित कर सके, मैनेज कर सके, सभी भिक्खुओं का, जितने भी भिक्खु हैं उनका ध्यान रख सके, सारी बातों का, मेरा भी और भिक्खु संघ की भी जो ज़रूरत हैं उनको पूरा कर सके, यानी जो उपस्थाक था वो पूरा मैनेजमेंट देख सके, एक अच्छा मैनेजर चाहिए। अब भगवान बुद्ध अगर एक अच्छा मैनेजर डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो कौन मना करेगा। जितने भी भिक्खु थे उन सभी भिक्खुओं ने बारी बारी से अपनी सेवाएं देने के लिए सभा में अपने आप को प्रस्तुत किया। भगवान सभी के गुण जानते थे। कुछ भिक्खु ऐसे थे जो धम्म को बहुत अच्छी तरह से लोगों को बताते थे, तो भगवान ने कहा कि आप धम्म को बहुत अच्छा लोगों को बताते हैं, इससे मेरी सेवा होती है। कुछ लोग ऐसे थे जो विनय पे बहुत बढ़िया चलते थे, उन्होंने कहा कि आप विनय बहुत अच्छा चलाते हैं, जानते हैं, लोगों को सिखाते हैं, भिक्खुओं को सिखाते हैं, इससे मेरी सेवा होती है। अलग अलग कारणों से भगवान बुद्ध ने सभी को मना कर दिया। आनंद जो उनके भाई रहे हैं, चचेरे भाई रहे हैं, वो नहीं उठे। भिक्खुओं ने कहा कि आनंद आप भी अपनी सेवाएं दीजिए, आप भी अपने आप को प्रस्तुत कीजिए कि आप अटेंडेंट या मैनेजर बनने के लिए तैयार हैं, सेवादार, सहायक बनने के लिए तैयार हैं। आनंद ने कहा कि अगर भगवान बुद्ध को जचेगा और जमेगा तो वो खुद ही कहेंगे।
ये बात भगवान बुद्ध तक पहुंची तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद समझदार है, वह जानता है कि कब उसको क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना है। ऐसा भगवान के कहने के बाद आनंद ने अपने आप को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान बुद्ध का सहायक और मैनेजर बनने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी 8 बातें हैं, 8 शर्तें हैं। अगर भगवान बुद्ध मेरी 8 बातों को माने तो मैं उनका सहायक, अटेंडेंट, मैनेजर, सेवादार, पर्सनल सेक्रेटरी, सर्वर बन सकता हूँ। भगवान ने स्वीकृति दी। उन्होंने कहना शुरू किया तो पहली 4 बातें जो इसमें हैं वो हैं डिनायल की, रिफ्यूजल की, यानी कि यह नहीं करना है, डोंट वाली हैं, यानी कि आपको यह नहीं करना है। अब आप देखिए कि आनंद भगवान बुद्ध को आदेशित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपका सेवक तब बनूंगा जब ये 4 बातें आप नहीं करेंगे। तो पहली बात थी कि आपको जो भी अच्छे से अच्छे चीवर मिलेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध को लोग अपने हाथ से बना बनाकर बहुत सुंदर सुंदर चीवर दान में दिया करते थे, तो उन्होंने कहा कि जो आपको बहुत अच्छे चीवर मिलेंगे वो बहुत अच्छे चीवर आप मुझे नहीं दोगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो आपको बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, बहुत अच्छा जो भोजन होता था उस समय वो दूध यानी जो खीर होता था, इसको खीर बोलते थे उस समय, आ समय खीर बोलते हैं, खीर माने दूध, खीर और जो मधु यानी के शहद होता था और चावल यानी ओदन, इन तीनों का मिला हुआ जो भोजन था वो सबसे उत्तम भोजन माना जाता था। तो कहा कि जो आपको श्रेष्ठ भोजन मिलेगा आप उसे मुझे नहीं देंगे। आपकी जो कुटी है जिसको गंध कुटी बोलते हैं, जिसमें आप सोते हैं, आराम करते हैं, आप कभी मुझे उसमें सोने के लिए नहीं कहेंगे। और चौथा उन्होंने कहा कि आपको जो निमंत्रण मिलेंगे, आपको जो इन्विटेशन मिलेंगे राजाओं से, गृहस्थों से, परिवार से, कबीलों से, आप उस निमंत्रण में मुझे अपने साथ, उस इन्विटेशन में मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। क्योंकि भगवान बुद्ध कोई भी बात बिना जाने, बिना माने या भिक्षुओं को बिना बताए आगे नहीं बढ़ते थे, एक एक बात का उन्होंने हमेशा जवाब दिया है। तो उन्होंने आनंद से पूछा कि आनंद ऐसे 4 बातें मना क्यों कर रहे हो, आपका क्या इससे उद्देश्य है, आप बताएं। तो आनंद ने कहा कि अगर आप मुझे सबसे अच्छे चीवर देंगे तो भिक्खु संघ और लोग कहेंगे कि आनंद इसलिए सेवा करता है, इसलिए मैनेजर बना है, क्योंकि उसे अच्छे चीवर पहनने को मिलते हैं। अगर आप मुझे अच्छा भोजन देंगे तो भिक्खु संघ और बाकी लोग कहेंगे कि आनंद इसलिए सेवादार, अटेंडेंट या सहायक, उपस्थाक बना है कि उसको बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलता है। अगर आप मुझे अपनी गंध कुटी में सोने के लिए कहेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो वो बढ़िया गंध कुटी के अंदर भगवान बुद्ध के साथ में सोता है। अगर आप मुझे अपने साथ निमंत्रण पर लेके चलेंगे तो भिक्खु संघ और बाकी लोग कहेंगे कि देखो वो भगवान बुद्ध की तरह निमंत्रण में जाता है और उन्हीं की तरह वहाँ पर मौज मस्ती करता है। भगवान ने कहा अति उत्तम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 4 बात इस तरह से भगवान बुद्ध ने आनंद की मानी। फिर उन्हें 4 बातें आनंद ने और कहीं। उन्होंने कहा जो करनी है, यानी वो भगवान बुद्ध को डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये बातें आपने हमेशा करनी पड़ेंगी, मैंडेटरी हैं, आप मेरी बात मानेंगे। तो वो 4 बातें इस प्रकार हैं। आनंद कहते हैं कि मेरे द्वारा अगर कोई भी किसी का कोई निमंत्रण स्वीकार किया गया है, यानी किसी ने ये कहा कि भगवान बुद्ध का वहाँ धम्म उपदेश होना है, आपको हम निमंत्रण देते हैं, आप भगवान बुद्ध को लेके आइए, या भगवान बुद्ध को ये निमंत्रण है, आप हमारा इन्विटेशन उन तक पहुँचाइए, और मैंने वो निमंत्रण या इन्विटेशन स्वीकार कर लिया बिना आपसे पूछे, तब भी आपको मेरे स्वीकृत किए हुए निमंत्रण पे, जो निमंत्रण मैंने माना है उस पे आपको चलना ही होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई दूर से दराज से जो लोग बड़ी मुश्किल से पैदल चल के आपसे मिलने के लिए आते हैं और वो किसी भी समय यहाँ पहुँचें, और अगर मुझे ऐसा लगे कि उन्हें आपका दर्शन कराना है तो मेरे कहने पर आपको उन्हें तुरंत ही दर्शन देने होंगे। फिर तीसरा उन्होंने कहा
कि अगर मुझे कोई शंका समाधान होती है किसी भी तरह से, कोई डाउट होता है मैनेजमेंट में या धम में या किसी बात में, तो मैं 24 घंटे में कभी भी आपके पास आ सकता हूं पूछने के लिए, आपको बताना होगा चाहे आप किसी भी अवस्था में हों। चौथा उन्होंने कहा कि जब भी मैं अनुपस्थित होऊंगा और आप कहीं जाकर कोई धमकी बात कहेंगे या कोई अच्छी बात कहेंगे या जो भी वार्तालाप वहाँ लोगों के बीच होगा, जो भी संदर्भ होगा, जो भी समय स्थान होगा, वो मुझे आपको ऐसा का ऐसा ही बताना होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आनंद ऐसा क्यों? आनंद कहते हैं कि अगर मैं किसी का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ और आपने मना कर दिया तो भिक्खु संघ और लोग कहेंगे कि अरे कैसी सेवा करता है ये, भगवान बुद्ध इसकी बात नहीं मानते, हमने इनविटेशन दिया और इसने कहा आगे तो इसकी बात नहीं मानी, हमें ही इनविटेशन देना पड़ेगा तभी भगवान बुद्ध आएंगे। इसका मतलब ये जो सेवादार है, ये जो मैनेजर है, ये जो अटेंडेंट है, ये जो सर्वर है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि जो दूर दराज से लोग आते हैं वो थके हुए होते हैं, उनको तुरंत दर्शन की अभिलाषा होती है, वो दर्शन के लिए इतने दिनों से मन में लेके आते हैं, वो मुझसे दर्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, आप नहीं आएंगे तो वो कहेंगे कि अरे कैसा सेवादार है, अच्छी सेवा नहीं करता है, वरना तो इसके कहने पर भगवान बुद्ध क्या आते नहीं। फिर वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई शंका समाधान होती है और आपने उसका तुरंत निवारण नहीं किया और इस बीच में अगर किसी भिक्खु ने या किसी उपासक ने या दूर दराज से आए हुए किसी व्यक्ति ने मुझसे उसी समय कोई प्रश्न उसके बारे में कर लिया और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो कहेंगे अरे कैसा सेवादार है, कैसा उपस्थाक है कि ये अपनी शंका समाधान भी भगवान बुद्ध से दूर नहीं करता, लगता है भगवान बुद्ध इसकी सेवाओं से प्रसन्न नहीं है, इसलिए इसकी शंका समाधान को दूर नहीं करते, इससे बातचीत नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में जहाँ मैं साथ नहीं हूँगा, आप जो धर्म बताएंगे, जो धम्म बताएंगे, अगर वो मुझे नहीं पता होगा और भिक्खु संघ ने अगर पूछ लिया कि आनंद वहाँ भगवान गए थे और वहाँ क्या बात हुई, क्या धम्म बताया था और मैं बता नहीं पाया, तो कहेंगे अरे कैसा मैनेजर है, कैसा सेवादार है, इसको सारी बातें पता ही नहीं होती, ये कैसा पीए है, ये कैसा अटेंडेंट है, लगता है इसका भगवान बुद्ध से वार्तालाप ठीक नहीं होता, ये अच्छी सेवा नहीं करता है। भगवान बुद्ध ने स्वीकृति दी और आठों बातें, यानी चार बातें जो उन्हें नहीं करनी है और चार बातें जो करनी है, उस बात पर वो एग्री हुए। और तब 55 वर्षों के बाद भगवान बुद्ध को आनंद स्थायी रूप से एक सेवादार और अटेंडेंट मिले। आनंद ने बहुत अच्छी सेवा और बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। एक बहुत सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि भगवान बुद्ध से 8 बातें उन्होंने अपनी मनवाई, तब उनकी सेवा के लिए तैयार हुए। यानी कि यहाँ देखिए कि कैसी डेमोक्रेसी है, कैसा लोक तत्व है, कैसा लोकतंत्र है कि जो सर्वे सर्वा हैं, यानी भगवान बुद्ध जो सबको पढ़ा रहे हैं, सबको डायरेक्ट करते हैं, सबको निर्देशित करते हैं, सबको वो बताते हैं, उनको भी 8 बातें मानने के लिए पहले बाध्य किया गया या पहले उनसे कहा गया कि 8 बातें आपको ये माननी हैं। भगवान बुद्ध मना नहीं कर पाए क्योंकि वो दोनों तरफ का संवाद बराबर चलता था और जो बात ठीक होती थी उसको वो मानते थे। यानी डिक्टेटरशिप उनके संघ में नहीं थी, तानाशाही उनके संघ में नहीं थी। एक सेवादार भी अपनी शर्तें अगर वो ठीक हैं तो जिसकी सेवा कर रहा है उसको मानने के लिए कह सकता है, बाध्य कर सकता है, अपनी सेवा देने से पहले अपनी बात को कह सकता है। ये एक बहुत खूबसूरत सी बात थी संघ के अंदर, इसलिए संघ उस समय भी जीवित था, संघ आज भी जीवित है, क्योंकि संघ के अंदर कोई भी तानाशाही या जबरदस्ती की बात नहीं होती, तर्क पर आधारित बात होती है। भगवान बुद्ध ने भी सीधे सीधे 8 बातें नहीं मानी, पहले उनसे पूछा कि आनंद ऐसा क्यों कहते हो या ऐसा करने के लिए क्या कारण है। जब कारण उनको सही लगे तो उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि हाँ ये 8 बातें मैं मानता हूँ, और वो एक बॉन्ड आपस में बना कि मैं आपकी सेवा करूँगा और आप ये बाउंड हैं 8 बातें मानने की हैं, जो सबसे खूबसूरत बात आनंद के साथ में रही। इस प्रकार आनंद वहाँ स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से उन्होंने, जब तक भगवान बुद्ध यानी 80 साल की उम्र तक भगवान बुद्ध
सेवा करते रहे जब तक वो एक्स पहने हुए, जब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा। उसके बाद भी भगवान बुद्ध ने आदर्श आनंद को डायरेक्शन दी, निर्देशित किया अपने मरते समय भी कि आनंद तुमको बाद में ऐसा करना है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे मैं आपको आगे बताता रहूँगा। आगे हम अगले एपिसोड में भगवान बुद्ध और आनंद के बीच की जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो आपको बताएंगे। धन्यवाद।